ये स्केट बोर्ड मुझे दे दे ठाकुर, आई मीन ठाकुराइन, मुझे दे दे। सो लोल बहुत चैनल सर्विस क्वीन अरियाना, आई एम बैक विद माय अदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कलेक्शन है उस पर रिएक्शन देने वाली हूँ। वो कलेक्शन किसका है, गेस व्हाट? सो गाइस, वो कलेक्शन है हमारे नेपाल की अंबानी, और जिसके पास सबसे रिच कलेक्शन है, और मे भी दुनिया में अभी तक ओके, सो फ्री फायर में अभी तक जो भी चीज़ें आई हैं उसके पास पक्का होगा, और वो काफ़ी फेमस है। वैसे तो आप थंबनेल और टाइटल से समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुनीता की। तो सुनीता के पास इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है ना, आप लोग सबको पता है, और जो भी चीज़ें आती है वो सबसे पहले हाई डायमंड जितना उसका प्राइस रहता है, कभी कभी उससे डबल ट्रिपल दे करके भी उसे बाई करती है, और ये बात के वजह से बहुत सारे लोगों को पसंद है, और इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ सुनीता के कलेक्शन पे रिएक्शन। और ये रिएक्शन देने के लिए आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला था दीदी नेक्स्ट रिएक्शन आप सुनीता पे देना। सो ओके गाइस, आप लोगों की विश लिस्ट में से मैंने सुनीता को तो उठा लिया, नेक्स्ट आप बताना किस पे रिएक्शन देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं जा रही हूँ सुनीता के वीडियो ओपन करने के लिए और उस पर रिएक्शन देते हैं। तो ओके, सुनीता का वीडियो मैंने ओपन करा और ओके, सुनीता का वीडियो ओपन करा है मैंने, और इसमें से जो आप देख सकते हैं सुनीता का सबसे, ये आई थिंक बहुत पहले का कलेक्शन है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कलेक्शन में हैट्स से। सो काफ़ी तरीके तरीके के हेड्स है। एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी लंबा 26 मिनट्स का है उसके कलेक्शन का वीडियो, बट मैं इसको शॉर्ट में दूंगी। जो भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं या फिर जो मुझे या फिर कोई भी बंदे को अच्छा लगेगा उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। सो ओके, तो हेड्स, और आप बात करते हैं शूज़ की। ओ माई गॉड, रियली बहुत ही अमेजिंग है, सारे शूज़ के कलेक्शंस हैं। ओके, सो हम थोड़ा सा वीडियो स्किप करते हुए हम जा रहे हैं कैप के कलेक्शन पे, बिकॉज वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं चाहती हूँ तो उसके वजह से। ओके, सो सारे कैप्स है, सारे हैट है, और ये वाला कैप मुझे पसंद है। होप आप लोगों को भी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको ये कलेक्शन में ये सारी चीज़ें पसंद होगा। सो ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं ऊपर टॉप के बारे में, जो भी है उस पर एक रिएक्शन देने के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छी चीज़ें हैं, मतलब अब तक जितने भी फ्री फायर में चीज़ें आई हैं ना वो भी है। मैंने एसके सबीर बॉस का कलेक्शन देखा और उनका कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। उनके इवन उनका कलेक्शन में खास बात ये है जो उनके पास एंटीक पीस भी है, यानी जब गेम स्टार्ट हुआ था तब से वो खेल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सुनीता के पास ना हो, बट सुनीता के पास जो इतनी कॉस्टली कॉस्टली चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डायमंड स्पेंड करने के बाद मिलता है, वो सारी चीज़ें, तो इनका कलेक्शन और भी ज़्यादा यूनिक है। सो सुनीता चाहे तो कलेक्शन भेज सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बॉयज़ के उनका दिखाती हूँ। उसके पास बॉयज़ का बहुत टाइप के हेड्स है, हर लाइट पास के हैं, और इवन जो जो आते हैं वो भी बॉयज़ वाले का तो देखना बनता है बिकॉज। तो गाइस, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा कलेक्शन नहीं है, ये सुनीता का है, तो ये वीडियो भी सुनीता ही के पास से लिया होगा मैंने, तो होप कॉपीराइट इशूज ना हो। और वैसे तो मैंने आज तक नहीं देखा सुनीता ने कभी किसी को कॉपीराइट इशू दिया हो या कॉपीराइट क्लेम दिया हो, बट फिर भी एज ए यूट्यूबर डर तो लगता है। सो ओके, नेक्स्ट ये भी, और ये है हमारा स्कल मास्क। सो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास, आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शंस है गाइस। सो ओके, नेक्स्ट, और अभी हम देखते हैं मैन के जो भी ड्रेस है, बॉटम वेयर और टॉप जो भी है सब कुछ देखेंगे। सो ये भी अच्छे हैं, हयातो के ऊपर ड्रेस। ओके, सो अच्छा लग रहा है ये सारे चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और बॉयज़ों को इनमें से कौन सा ड्रेस पसंद है मुझे बताना कलेक्शन में। अब हम उनके पैंट्स के ऊपर जाते हैं तो वो भी देखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादा मैं आप लोगों को कलेक्शन का वो नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, 26 मिनट यानी आधा घंटा कम से कम देना किसी को, तो ज़्यादा वो हो जाएगा आजकल के टाइम पर, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में वीडियो हमेशा बनाने की कोशिश करती हूँ। सो नेक्स्ट, ऑसम, ये मैन वाला ड्रेस भी अच्छा है, कुछ बंडल्स भी अच्छे हैं। ओके,
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे बैकपैक्स के ऊपर. बहुत सारे लोगों को बैकपैक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मतलब कुछ नहीं बाय करते बैकपैक्स बाय करते हैं, क्योंकि वो गेम प्ले के बीच में भी दिख सकता है आपको. जब भी आप इसे यूज़ करेंगे, कोई और बंदा देख रहा है आपको स्पेक्टेटर में, तो भी आपको दिखाई देगा. तो बैकपैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बहुत सारे लोगों के लिए. सो बैकपैक ओके, सो लगभग सारे टाइप के बैकपैक्स हैं इनके पास, ऑलमोस्ट सभी. माय गॉड, सो बहुत ही अच्छे कलेक्शंस हैं. और हाँ गाइस, इनके बारे में एक सबसे अच्छी बात ये है, जो सुनीता के जितने भी कलेक्शंस रहते हैं ना, उसके लिए वो पैसा खुद नहीं देती है. तो बहुत सारे लोगों को लगता है जो पैसा खुद के मनी वेस्ट करती है, वो वेस्ट नहीं करती, इन्वेस्ट करती है. वो जो भी पैसे देती है अपने कलेक्शन में, अपनी कोई चीज़ बाय करने में, तो उसके दुगना उसको पैसे वापस मिल जाता है. तो कुछ लोग ये कह करके डायमंड वेस्ट करती हो, पैसे वेस्ट करती हो, गरीबों को दे देना चाहिए, और ऐसे ऐसे बैड कमेंट्स करते हैं. तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, यार बैड कमेंट्स मत करो. अगर यूट्यूबर कुछ कर रहा है ना, तो वो सोच समझ के कर रहा है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है जो कोई चीज़ अगर वो अपने पैसे बेफालतू में लगाए और बदले में उसको कुछ ना मिले. सो नेक्स्ट, ये ओसम स्केटबोर्ड, ये मेरा फेवरेट वाला है. मैंने बहुत कम यूट्यूबर्स के पास देखा है जो वो सेकेंड वाला जो है ना स्केटबोर्ड हो, ये एरो, ये तलवार वाला, स्वॉर्ड वाला, वो भी बहुत अच्छा, अमेजिंग है. कुछ अच्छे अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो ये गन की स्किन से, इसको तो हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज गन की स्किन सब भी लोग देखना चाहते हैं. सो के ओ माय गॉड, ये हमारा मैजिकल M4A1, और ये M4A1 पिंक कलर का है, इसलिए मुझे पसंद है. यू नो मुझे पिंक कलर कितना पसंद है, पिंक 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 पिंक. ओके, सो मेरा बस चले तो मैं पिंक कलर का खाना भी खाऊं, लेकिन मिलता नहीं है. सो नेक्स्ट सेकेंड वाला M4A1, वो भी पिंक कलर है, सो क्यूट ना. ओके, सो नेक्स्ट ये शॉर्ट गन है, इसकी भी स्किन है, सेकेंड डोज शॉर्ट गन गोल्डन वाली है. और मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा दिखाने वाली हूँ, बिकॉज इसको स्किप नहीं करूँगी. बहुत लोगों का फेवरेट पार्ट होता है गन के स्किन के मामले में, तो इसलिए इसको अगर इस पर स्किप कर दिया तो यानी कुछ नहीं दिखाया. सो ओके नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक ये वाली स्किन, एक ये यूनिकॉर्न रेंज, तो ये वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका ना मतलब ये लगता ही नहीं है दूर से एक ही है, मतलब काफ़ी अलग बनाया गया है ऐसे, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे. सो ओके, और नेक्स्ट M4A1, MP40, P90, ओके P90 और रेड कलर का UMP P90 की स्किन अभी आई है. UMP क्या करती हूँ सच्ची में, कितना गड़बड़ है. सो के ओके, UMP और MP5 और ये M14 की स्किन, M14. सो इसके टोटल 3 स्किन्स हैं सुनीता के पास में. सो अच्छे हैं. अब स्कार की बात है, मेरा फेवरेट आओ तो सही स्कार. ओके, सो अभी स्कार का आप देख सकते हैं, क्यूपिड स्कार है, और जिसको सभी लोग लेना चाहते हैं. क्यूपिड स्कार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्यूपिड स्कार. और क्योंकि सबसे पहली बात ये पिंक कलर का है, इसलिए मुझे पसंद है. और बाकी इसके क्वालिटीज़ तो है ही अच्छी. और ये रेड वाली स्कार जो अभी हमको 7 days के लिए मिल रहा है इनके पास है, सो ये वाली स्कार है मेरे पास. बाकी आई एम पुअर, मेरे पास ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस नहीं है, बट इन फ्यूचर ज़रूर होगा. सो ओके, अब हम बात करेंगे BSS की स्किन के ऊपर. सो BSS का स्किन काफ़ी अच्छा है. अब ग्रोज़ा में से एक स्किन तो सबके पास मिल जाता है, और ये सेकंड वाला भी है. तो इनमें से मेरे पास ग्रोज़ा की एक स्किन है, और दूसरी वाली नहीं है, ये वाली स्किन है मेरे पास ग्रोज़ा का, ग्रोज़ा विंटरलैंड वाला. सो ओके, MP40 जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, MP40, कुछ लोगों का M10 वो है, M14 लंबी वाली शॉर्ट गन. सो ओके, हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं अगर होते हैं तो. ओके, सो ये वाला पिंक कलर का जो है, ये तो नहीं है. सो नाइस, MP40 क्रेजी बनी, अच्छे हैं सारे कलेक्शंस, अच्छे हैं ना सारे MP40s, अच्छे हैं. बट ये ना गन की स्किन के मामले में ना, मैं इसको थोड़ा स्किप कर देना चाहिए. आई थिंक इतना गन देखना आप लोगों के लिए काफ़ी है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा. सो ओके, MP40 तक रहते हैं. थोड़ा सा और हम फार्मर्स देख चुके हैं. ओके, ग्रेनाइट स्किन, ऑसम. सो ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है सच्ची में. नाइस,
ये भी बहुत अच्छा है, ग्रेनाइट के स्किन्स। सो आप ये सारे आप देख सकते हैं जब आप ग्रेनाइट लूँ। अमेजिंग ना, बहुत अच्छा था। कुछ ये वाले अभी ऑलमोस्ट सभी के पास होगा, ब्लैक वाला ग्रेनाइट स्किन विंटरलैंड, ये है हो गया। ओके सो नाइस, ऑलमोस्ट ये सबके पास होगा। सो गाइस नेक्स्ट हम जाएंगे कार्ड के स्किन पे, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं क्योंकि कार्ड के स्किन सभी के पास नहीं होते, और कुछ कुछ होते हैं कुछ कुछ नहीं होते हैं, बट इधर देख सकते हैं आप। ओके सो ऑसम ना। ओके नेक्स्ट ये भी है, सो नाइस अमेजिंग। सो ओके सो नेक्स्ट ये भी स्किन अच्छे हैं। तू तू कार इसका नाम है, जिसे हम रिक्शा लेते हैं, रिक्शे में बैठ जा बुलाते हैं ना अपने फ्रेंडों को, रिक्शे में बैठ जा, लेकिन इसका नाम है तू तू कार। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट कार। सो इसकी स्किन स्पोर्ट कार की ये वाली ऑलमोस्ट सभी के पास होगी, मैंने बहुत लोगों के पास देखा ये वाली स्किन, बट सुनीता के पास भी है, बहुत अच्छी बात है। ओके सो बैक की स्किन, और अभी आपने बैक की स्किन देख लिया, नेक्स्ट हम इमोट देखेंगे। सो इमोट में हाँ हाँ वाला इमोट, इमोट नहीं देखा ना तो कुछ नहीं देखा। मेरा फेवरेट पार्ट होता है ना कलेक्शन में इमोट ढूंढना और गन की स्किन ढूंढना, उसके बाद बंडल्स। सो ओके ना 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 मेरा ओके सो नाइस नमस्ते। प्रपोज इमोट बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये प्रपोज। ओके तेरी प्यारी प्यारी दो आँखियाँ, ये वाला इमोट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये इमोट भी पसंद है मुझे। सो सारी अच्छी अच्छी इमोट्स हैं, लाइक इट ऑसम है। और चेयर वाला भी बहुत पसंद है। ओके सो ओके नेक्स्ट वन नाइस, बहुत 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 अच्छा है। सो गाइज दैट वॉज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। होप आप लोगों को मेरा सुनीता के ऊपर रिएक्शन पसंद आया होगा, उसका कलेक्शन पसंद आया होगा, और किसको नहीं पसंद होगा। ऑलमोस्ट आई थिंक सुनीता का कलेक्शन है तो बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा, बट फिर भी मेरे रिएक्शन की वजह से जो लोग देखने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मुझे कमेंट में बताना किसके ऊपर रिएक्शन देना है, सो मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर रिएक्शन दूंगी। सो बाय गाइस, एंड आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले वीडियो जो मैंने एस के सबीर बॉस का बनाया था, उस पर मैंने आप लोगों के लिए कहा था 1K लाइक्स देना, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, और आपने उन लोगों उस पर 2.5K लाइक है। सो थैंक यू सो मच इतने सारे लाइक करने के लिए, जितना मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसको पसंद करने के लिए। सो गाइस इस बार क्योंकि आपने पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा रिएक्शन, मतलब आपका अच्छी आपने रिस्पांस दिया, इसलिए थोड़ा लालच बढ़ते हुए पिछली बार मैंने टारगेट रखा था 1K लाइक का, इस बार 1.5K लाइक का मैं टारगेट रखती हूँ। सो होप आप लोग लाइक करें, और गाइस प्लीज़ लाइक करना। सो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ना 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 ना।